नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपने स्तर पर 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन का खर्च वहन करने की बात की है। ऐसे में राजस्थान सरकार का मौजूदा वित्त वर्ष का बजट प्रभावित होना तय है। हालांकि केंद्र सरकार की इस नीति का खामियाजा प्रदेशवासियों को नहीं भुगतना पड़े, इसके लिए गहलोत सरकार के साथ साथ कांग्रेस संगठन भी आगे आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही प्रदेशवासियों का निःशुल्क वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के दानदाताओं, भामाशाहों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों सहित सभी वर्गों से आर्थिक सहयोग की अपील कर चुके। यही नहीं, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मिली सहयोग राशि का हिसाब किताब रखा जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ने बाकायदा कोविड वैक्सीनेशन डेडिकेटेड बैंक खाता खोलने की भी स्वीकृति दी है। जो भी लोग 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के निःशुल्क वैक्सीनेशन के लिए आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, वो अपनी राशि इस बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील के बाद प्रदेश कांग्रेस की ओर से सहयोग राशि अभियान की शुरुआत की जाएगी। हालांकि ये अभियान प्रदेश, जिला और ब्लॉक लेवल पर वर्चुअली शुरू होगा और इस अभियान के जरिए इकट्ठा की हुई राशि मुख्यमंत्री कोविड सहायता कोष में जमा कराई जाएगी। प्रदेश कोरोना महामारी के चलते पहले ही आर्थिक रूप से परेशानी का सामना कर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के राज्यों द्वारा 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन का खर्चा उठाने के आदेश के बाद सरकार पर करीब 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। इससे प्रदेश की योजनाओं पर असर पड़ना भी स्वाभाविक है। ऐसा न हो, इसी उद्देश्य से राज्य सरकार और प्रदेश कांग्रेस संगठन की ओर से सहयोग की अपील की जा रही है, ताकि कोरोना काल में प्रदेश में सभी लोगों का वैक्सीनेशन भी सुनिश्चित किया जा सके और बजट के अभाव में प्रदेश का विकास बाधित न हो।